सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार की जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं, उन सभी का मानदेय जो है वो पिछले 2 और 3 महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप लोगों के मानदेय को अपडेट कर दिया गया है। अब आप लोगों का जो पैसा है आपके खाते में बहुत जल्द ही जाने वाला है। तो चलिए, इसका स्टेटस क्या है हम आप लोगों को चेक करके बताते हैं और कब तक ये पैसा आपके खाते में जाने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को चेक करके दिखाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप हमारे इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को सारे डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे जो अपडेट है वो बताऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस परियोजना में जो है क्या अपडेट है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का, जहाँ पे मानदेय को अपडेट किया जाता है, जहाँ से मानदेय को आप लोग चेक कर सकते हैं, उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे होनोरेरियम स्टेटस ऑफ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो साइट है, हम वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 2024 और 2025, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है आप लोगों के जो मानदेय का स्टेटस है उसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट का चेक करके आपको दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम परियोजना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने AWC सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, यानी सेविका का चेक करना है, सहायिका का चेक करना है। तो हम सेविका का चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे सेविका का डेजिग्नेशन डाला तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मई, जून और जुलाई महीने का पेमेंट है उसका स्टेटस यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे समझिए कि आप लोगों का जो पेमेंट स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है और कब तक जो है आप लोगों का पैसा आपके खाते में जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो पेमेंट जो है वो सेंड टू बैंक किया गया था मई महीने का, और बाकी पेमेंट का ये स्टेटस अभी नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 महीने का जो पेमेंट है उसका स्टेटस जो है वो पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट अगर आप लोगों का यहां पे स्टेटस दिखाता है तो यहां से आप लोगों के बैंक में पैसा जाने में मात्र जो है 3 से 5 दिन या मैक्सिमम कहे तो 7 दिन का समय लगता है, ठीक है। 7 दिनों के अंदर आप लोगों के खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि वो आपका बैंक कैसा आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर हम आपको चेक करके दिखाते हैं, जब अप्रैल महीने का पैसा आपको यहां पर पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, जस्ट 2 दिन बाद यहां पर जो है आप लोगों का UTR नंबर जनरेट करके आप लोगों को पैसा भेज दिया गया था। उसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कि 3 महीने का जो पेमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मई, जून और जुलाई 3 महीने का जो पैसा है, यहाँ पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जो मई महीने का स्टेटस है यहाँ पे 1/7/2024 के बाद कोई भी अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है। लगभग यहाँ से 2 महीना लग गया है यहाँ से यहाँ तक पैसा आने में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जून और जुलाई का जो पैसा है सेंड टू बैंक होने के बाद यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस में मात्र 2 ही दिन का समय लगा है यहाँ पे सेंड टू बैंक से पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट होने में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में मात्र 3 से 5 दिन या मैक्सिमम कहें तो 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा यहाँ से आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि हम यहाँ पर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो है स्टेटस दिखा रहे हैं, तो ये शिवहर डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो पेमेंट है उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर मई, जून और जुलाई 3 महीने का पेमेंट यहां भी एक साथ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे अलग डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं, जैसे कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट का यहां पे जो पेमेंट स्टेटस है वो भी यहां पे देख सकते हैं, 3 महीने का पेमेंट जो है यहां पे एक साथ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जैसे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है, तो यहां पे आप लोगों को पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 2 महीनों का ही पेमेंट अभी यहां पे जाने वाला है, और जुलाई महीने का पेमेंट का अभी कोई भी स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, तमाम जो परियोजनाएँ हैं, उन परियोजनाओं में जो आप लोगों का मानदेय का स्टेटस है उसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। आप लोगों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।